जिले में आज हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार कल 6 अप्रैल को पहला एक पॉजिटिव केस आया है। निडानी गांव के एक 27 वर्षीय पुरुष जो कि 18 मार्च को तबलीगी जमात की मीटिंग अटेंड करके निजामुद्दीन से जींद में आए थे, उनका एक सैंपल आज पॉजिटिव आया है। और इस संक्रमण को रोकने के लिए जींद प्रशासन द्वारा तुरंत सारे कदम उठा लिए गए हैं। जो व्यक्ति हैं उनको सारी मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और उनके परिवार को, मिलने वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है तथा उनको सभी खाने पीने की और सभी सुविधाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध की जा रही हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन स्थापित करके हम वो हर प्रयास कर रहे हैं कि जींद में इस संक्रमण को हम फैलने से रोक सकें। इसके अलावा जींद प्रशासन द्वारा दूसरे प्रदेश से आए हुए लगभग 172 लोगों को शेल्टर होम्स में रखा हुआ है और 1200 की कैपेसिटी के साथ हमारे सभी शेल्टर होम रेडी हैं। जींद के जो व्यक्ति गरीब हैं या जो राशन खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए भी हमने एक सुविधा बनाई है, एक सिस्टम बनाया है और लगभग 9835 ऐसे परिवार हैं जिनको हम राशन और खाना उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा सभी जींद वासियों से अनुरोध है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यदि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई सूचना प्रशासन को देनी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। 1075 1075 ये हमारी स्टेट लेवल हेल्पलाइन है जो जींद के कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है। 1950 1950 ये हेल्पलाइन जींद में स्थापित है और 108 ये नंबर एम्बुलेंस की हेल्पलाइन का है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।